तो गाइस यार, जब मैं इस तरह के कमेंट सुनता हूँ कि हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, और मैं भी देखता हूँ यार कि बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, जो काम की तलाश में हैं, और लगभग एक एक साल उनको हो चुका है यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए, लेकिन अभी तक उनको काम नहीं मिला। अब यार देखो, मैं ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने चैनल की बात करता हूँ, अब मेरा जो ये चैनल है यहाँ पर जब मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो मैं आपको ऐसे यूनिक तरीके बताता हूँ जहाँ पर आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनकी जॉब बहुत जल्दी लग भी जाती है। अब ये देखो, मैं कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा, इसके पीछे का फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बनाता जो ऑलरेडी सभी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, सेम टू सेम टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं। अब वो टॉपिक कौन से हैं कि डेटा एंट्री कर लो, कैप्चा भर लो, ये हैं वो, कि किसी कंपनी में जॉब कर लो। अब जो नॉर्मल एक वर्क, अगर मैं कहता हूँ कि टाइपिंग का कोई काम है, अब देखो टाइपिंग करने वाले आप ही की तरह हजारों नहीं तो लाखों की संख्या में तो हैं जो घर पे इस टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें वो टाइपिंग का काम मिल जाए और उनकी अर्निंग होनी शुरू हो जाए। और आप ये भी जानते हैं कि आपसे पहले इस काम को और लोग कर भी रहे हैं, और वेटिंग में आपके जैसे हजारों लोग हैं। तो अब आप सोच के देखो कि आपका नंबर कब आ सकता है। देखो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर नहीं आता आता है, लेकिन उन हजार में से आपको सबसे ज़्यादा स्पेशल होना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा काबिल होना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर आएगा। बट क्या आप अपने दिल से पूछिए, देखो क्या आप उतना डिजर्व करते हैं? क्या आपकी टाइपिंग स्पीड उतनी ज़्यादा है जहाँ पे 80-80 वर्ड्स पर मिनट आप लिख सकते हो? आपका जवाब जब आएगा तो मुझे पता है कि वो आएगा, नहीं सर, हम इतनी अच्छी टाइपिंग भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं जॉब की बात करूँ, किसी कंपनी की अगर कोई जॉब निकल रही है, आप वहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं, तो कंपनी की जॉब में भी सेम क्राइटेरिया है, आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बट आपका नंबर कैसे आएगा? क्योंकि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर स्किल्स नहीं हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट होना पड़ेगा, तभी तो आपको काम मिलेगा। अब हर कोई देखो बेस्ट तो नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, लेकिन मैं बेस्ट तो नहीं हूँ। मेरे से अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर हैं, जो बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब देखो, सेम तरीका सभी चीज़ों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे मैं अपने इस चैनल पे हमेशा यूनिक वीडियो लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए वो यूनिक हो, काम यूनिक हो, जिससे कि आप लोगों को जल्दी वहाँ पर काम मिल सके। क्योंकि यार जो काम सब कर रहे हैं वो काम करने जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब जो आज मैं आपके लिए काम लेके आया हूँ, वहाँ पे आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ये सारा काम करने वाले हैं। अब देखो, बहुत कम लोग इस वेबसाइट के बारे में जानते हैं, इसलिए इस काम के बारे में भी लोगों को नहीं पता। अगर मैं पर्टिकुलर सिर्फ इंडिया की बात करूँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, तो अभी हजार से भी कम लोग इस जगह काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अगर किसी काम को सिर्फ हजार लोग कर रहे हैं, और अब 1001 आपका नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि काम करने वाले कम हैं, तो आपके पास मौका ज़्यादा होता है कि आपको वो काम मिल जाए। पहले आपको काम सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके सीधे रजिस्ट्रेशन कर लो और काम मिल जाएगा, नहीं पॉसिबल है। पहले इस वीडियो के अंदर काम को सीखना कि क्या ये काम है, कैसे उसको आपको करना है, कैसे उसको आपको इस तरीके का बनाना है कि वो काम आपका सबसे बेस्ट हो जाए। उसके बाद जब आप उस वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आपके चांसेस बन जाएंगे कि आपको वो काम जल्दी मिल जाए। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो मैं बैठा हूँ, उससे पूछो यार, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, और हो सकता है कि वीडियो को भी पहली बार देख रहे हो, तो उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आपको गिव अप नहीं करना। हो सकता है आप में से बहुत लोग बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हो, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, आज नहीं तो कल जॉब जरूर मिलेगी। बट मिलेगी उनको जो रेगुलर टच में रहते हैं, रेगुलर एफर्ट लगाते हैं, जो हर वीडियोस को देखने के बाद उन पे अप्लाई करते हैं, समझते हैं कि उनके लिए कौन सी जॉब सबसे बेस्ट है, तो उनको बहुत जल्दी काम मिल जाता है।
अब क्योंकि जब आप इस चैनल पे आए हो और इस वीडियो को पहली बार देखें, तो सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले वीडियो को आप देखो और उस काम के लिए सबसे पहले अप्लाई भी करो। बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ ही साथ मैं अपने इस चैनल पर डेली गिव अवे भी करता हूँ, क्योंकि यार देखो आप इस चैनल पर आए, वीडियो को देख रहे हो, तो आपको मैं 100 रुपये कैश देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो अर्निंग करके जाओ, इसलिए मैं अपने इस चैनल पर डेली गिव अवे करता हूँ, जहाँ पर मैं आपको 100 रुपये कैश देता हूँ। अब कैसे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है ये जानने के लिए छोटे सी वीडियो क्लिप अभी आप देखिए। यार इससे पहले जब मैंने बताया था कि 100 रुपये आप कैसे डेली जीतने के लिए गिव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वहाँ मैंने बताया था कि आपको पहले घंटे में आपको जो है कमेंट्स करने होते हैं कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे पहले 1 घंटे में। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम ये आ गई है कि बहुत सारे लोग जो है जब 1 घंटा ख़त्म होने को होता है और सिर्फ कुछ सेकेंड रहते हैं तब वो कमेंट्स करते हैं और इस तरह से वो विनर बन जाते हैं। तो इसी का ध्यान रखते हुए अब यहाँ पर जो है क्राइटेरिया बदल चुका है। आप देखिए 24 आवर्स में यानी कि 1 दिन में कितने व्यूज़ आएंगे ये आपको पहले 1 से 2 घंटे में डिसाइड करने हैं, यानी कि जब वीडियो अपलोड होगी, जैसे कि वीडियो का टाइम 1 बजे है या फिर 2 बजे का है, तो आपको पहले 2 घंटे के अंदर बताना होगा कि आज 24 घंटे में इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे। तो जो सबसे नियर बाई होगा वो हमारा लकी विनर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पार्टिसिपेट कैसे करना है। सिंपल सा है, जैसे ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहले 2 घंटे के अंदर अंदर ये बताना होगा कि इस वीडियो पे 24 घंटे के अंदर कितने व्यूज़ आ सकते हैं। अगर आपका गैस नियर बाई रहा तो आप यहाँ पर हमारे लकी विनर बन जाएंगे और आपको 100 रुपये का कैश मेरी तरफ से मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को ध्यान से देखना है, ख़त्म होने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आपको गैस करना है कि कितने व्यूज़ इस वीडियो पर आ जाएंगे। थैंक यू गाइज। आपने वीडियो क्लिप देखी, आई होप कि आपके ये डाउट्स तो क्लियर हो गए कैसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। बहुत सिंपल सा है, आपको वीडियो को जब देख लेंगे आप और वीडियो पब्लिश हो जाएगी, उसके विद इन 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये गैस करना है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में कितने व्यूज़ इस वीडियो पे आ सकते हैं। जो सबसे नियर बाय होगा वो हमारा लकी विनर हो जाएगा और उसको मैं पर्सनली कॉन्टैक्ट करके 100 रुपये का कैश देता हूँ। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आप इस वीडियो को देख कर भी पैसा कमाएंगे। तो आप बिना टाइम को वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, आप आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखाऊंगा कि आपको काम कैसे करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जब आप उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक करते ही देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए ये वेबसाइट आपको बहुत ध्यान से देखनी है, ऊपर आप चेक करेंगे तो 1000+ जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब ये आखिर जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट्स होती क्या है? अब देखिए जब भी कोई भी कैंडिडेट होता है या कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसकी एक प्रोफाइल होती है जहां पर वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखता है जॉब के बारे में। अब यहां पे देख रहे हैं आप कि 1000 से ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट्स यहाँ पर मिलेंगे, जो ये बताती हैं कि कैंडिडेट का अट्रैक्ट कैसा है, कैंडिडेट का डिस्क्रिप्शन क्या है जॉब के बारे में। साथ ही साथ ऑप्टिमाइज फॉर जॉब बोर्ड अप्रूवल एंड SEO करता है ये 1000+ से। ये खैर चीज़ अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा। अब जो इस वेबसाइट की सबसे खास बात है वो ये है कि इस वेबसाइट पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी मिलती है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग की, तो देखिए अकाउंटिंग में कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ फिनेंस की, तो यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड कितने सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव का भी यहाँ पे मिलेगा। नीचे आप आ जाएंगे, नीचे और आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव देख कितने सारे, उसके बाद IT और डेवलपमेंट का है। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो देखिए डिज़ाइन के लिए है, कस्टमर सर्विस के लिए है, और नीचे आ जाओ तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन के लिए है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए है, नीचे आप जाओगे इंजीनियरिंग के लिए है, देखिए कंस्ट्रक्शंस के लिए है, प्रोडक्शंस के लिए है, हेल्थ केयर, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन। देखो नीचे आप देख रहे हो, आप ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि काम आखिर आपको करना कैसे। अब जैसे कोई पैकर जॉब की डिस्क्रिप्शन है, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैकिंग में जिसको अपना एक डिस्क्रिप्शन बनवानी होती है।
अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, ठीक है, उसने कहा कि मुझे पैकर जॉब की डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आपने पैकर जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कि पैकिंग और शिपमेंट होती है इसमें, पैकर जो जो भी पैकिंग के काम होते हैं वो पैकर एंड शिपमेंट में होती है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए सबसे पहले जॉब ब्रीफ है, ये जॉब ब्रीफ है उसकी, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, फिर देखिए रिक्वायरमेंट और स्किल्स क्या क्या हैं, फिर नीचे आप आ जाएंगे यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चंस होंगे उससे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर मिल जाएंगे। अब आप समझ रहे हो कि ये है क्या। अब देखिए मेरी एक कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है पैकिंग का काम है, और मैं अपनी कंपनी में चाहता हूँ कि मैं जब जॉब के लिए आर्टिकल दूँ तो मैं जॉब के बारे में किस तरीके से बताऊँ। अब क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, ना इतना टाइम है कि मैं सारी चीज़ें पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट लिखूँ, तो ये काम मैं ऐसी वेबसाइट्स को देता हूँ जो मेरे लिए ये काम करके मुझे दे दे, और ये वेबसाइट ऐसी ही है। अब देखिए ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप कि मुझे ऑलरेडी सब रेडीमेड मिल रहा है। मैं जॉब के बारे में लोगों को बताऊंगा कि ये जॉब ब्रीफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगे। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें वहाँ भी आपको मिलती हैं कि जॉब की ब्रीफ क्या है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। आपने ज़रूर देखा होगा जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें वो कहाँ से लेते हैं। अब देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से सारी चीज़ें लिखें, वो ये चीज़ें दूसरे वेबसाइट्स को दे देती हैं और वो इस तरीके से यहाँ से अर्निंग करती हैं ये वेबसाइट। अब क्योंकि ये वेबसाइट मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको हजारों ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी आपके पास आई, वो कहती है कि हमें मार्केटिंग कंसल्टेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो जो जॉब ब्रीफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट एंड स्किल्स हैं, और फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन हैं, ये आप उनको उठा के दे देंगे, सिंपल सा। यानी कि अगर मैं एक तरीके से बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो काम होने वाला है वो कॉपी पेस्ट का काम होने वाला है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर कर आप यहाँ से अर्निंग करने वाले हो। अभी मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि इस काम को भी हजार से भी कम लोग कर रहे हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको यहाँ से क्लाइंट के हिसाब से काम कर कर पेस्ट करना है। अब आ जाते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट की। अब आप यहाँ पे देखिए यही काम आपको दिख रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, और करने वाले देखिए कितने हैं, अभी 800 भी नहीं है, सिर्फ 800 से भी कम लोग अभी इस काम को कर रहे हैं। तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए इनका 67 बार ये काम ले चुकी हैं और 2,189 रुपये एक काम के, 14 बार, 123 बार, 199 बार, देख रहे हो आप। और ये देखिए आप ज़्यादातर इंडियन हैं, ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, ये यहाँ से आखिर काम करके पैसे कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि ये यूनिक काम कर रहे हैं। और वही मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर कुछ यूनिक करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात देखिए, आप मैं जैसे कि इस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे बाबर का खोल लिया है यहाँ पे प्रोफाइल। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए इनकी जो टाइटल है वो आप चेक कीजिए कि आई विल क्रिएट जॉब डिस्क्रिप्शन, JD एडवर्टाइज पॉलिसीज फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने अपना एक थंबनेल भी बनाया है, उसमें सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। थंबनेल आपको बनाना नहीं आता कोई इशू नहीं है, देखिए कितना सिंपल सा है। कैनवा में आपको जाना है, कैनवा में जाओगे सबसे पहली वाली वेबसाइट आपको मिलेगी, यहाँ पे देखो आप कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, रिज्यूम का, ग्राफ का, वीडियोज़ का, यूट्यूब थंबनेल का, वर्कशीट का, फेसबुक पोस्ट का, लोगो का, तो जिसमें भी आपको बनाना है, जैसे कि यूट्यूब बैनर बनाना, यहाँ पर क्लिक कर कर आप बना लीजिए। तो ये वो तरीका है जिससे कि आप यहाँ पर अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए नीचे आ जाइए, अब सबसे जो मेन चीज़ें ध्यान देने वाली वो है ये अबाउट द गिग। अब ये देखिए अबाउट द गिग में जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये चीज़ें आपको अपने प्रोफाइल पर लिखनी है ध्यान से, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी कर लेनी है, और जब आप अपनी प्रोफाइल वहाँ बनाएंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें सेम टू सेम डाल देनी है। उसके बाद बेसिक पे आपको जाना है। अब यहाँ पे देखिए इनके भी बेसिक हैं, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, तीन रेट होते हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो आपको भी ये फिल करना पड़ेगा। बेसिक के अंदर आप सिंपल सा इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना, जो रेट यहाँ पर लिखे हैं वही रेट आप वहाँ पर लिख देना, स्टैंडर्ड में भी सेम तरीके से और प्रीमियम में भी सेम तरीके से। अब देखो अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है FIVER, फाइवर में गिग जॉब सीकर्स, ये आप लिखोगे सबसे पहले वाली वेबसाइट आपको मिलेगी। देखिए ये पहले वाली आपको वीडियो मिल जाएगी जो कि मेरी है। आप टाइमिंग यहाँ पर चेक कीजिए, 25 मिनट की ये वीडियो है, 25 मिनट 8 सेकेंड की, और इस वीडियो में मैंने A to Z आपको बताया है कि कैसे आपको इसमें अपना गिग बनाना है, कैसे वो जल्दी से आपका अप्रूव भी होगा।
तो आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेने कि आपको कोई दिक्कत होगी इसको अप्रूव करवाने में, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर देंगे, अब आप में से बहुत लोगों का सवाल आता है कि सर हमने अपडेट कर दिया, प्रोफाइल बना दी, काम कब से मिलेगा? तो देखो यार गाइस, जब यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं तो आपको वेट करना होता है। अब वेट कितना करना होता है, देखो किसी को 5 दिन में मिल जाता है किसी काम, किसी को 10 दिन में मिल जाता है, किसी को 1 महीना भी लगता है, किसी को 1.5 महीना भी लगता है, किसी को 5 महीने भी लग जाते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी बात आपसे छुपा नहीं सकता, जो बात क्लियर है वो आपको बताऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अप्लाई ही ना करें, अप्लाई तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई चार्जेस है, ना कोई आपका पैसा लग रहा है। तो प्रोफाइल यहाँ पे जरूर बनानी है। अब उसके बाद आता है कि अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल बना देते हैं, हमें काम मिल जाता है, हम काम करके दे भी देते हैं, हमें पैसा कैसे मिलेगा? अब देखो, पैसा मिलने के यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। पहला तो आपको फाइवर की तरफ से पैसा मिलेगा, यानी कि पेपाल के थ्रू आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा, जो क्लाइंट आपसे काम करवा रहा है उससे आप कॉन्टेक्ट कर जो अमाउंट है वो डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीकों से यहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है, डिपेंड आप पर करता है आप किस तरीके से पैसा लेना चाहते हैं। तो ये वो दोनों डाउट्स थे जो मैंने आपके क्लियर कर दिए, जो आप हमेशा इस तरह की वीडियोस में मुझसे पूछते हैं। अब देखो यार, आपको सबसे पहले बात, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना होता, प्रोफाइल बनानी है। और इस तरह की मैंने बहुत सारी जॉब्स की डिटेल्स बताई हैं और बहुत लोगों को काम मिलना शुरू हो चुका है। आप में से कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर प्रोफाइल तो हमने बना दी लेकिन काम तो हमें मिलता नहीं है, कोई एक बंदा दिखाओ जो काम मिल जाओ। आप कमेंट्स में चेक करोगे तो आपको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जो ये कहते हैं कि उनको काम मिल चुका है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो अभी से अभी आपको अप्लाई करना है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। तो गाइस, अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँ किस तरीके से यहाँ पर आपको वर्क करना है, कैसे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब देखो, जो मेनली है वो 2 वेबसाइट है और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कैसे उस वेबसाइट से आपको पहले काम सीखना है, कैसे उस काम को आप क्लाइंट को करके देंगे। अब यहाँ पर देखो, जो आपको प्रोफाइल बनानी है वो आपकी बहुत अच्छी बननी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ कि प्रोफाइल अगर आपकी सही नहीं बनेगी तो हो सकता है कि आपको काम मिलने में देरी हो। तो प्रोफाइल आपको ढंग से बनानी है। कैसे बनानी है, इसके लिए आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यूट्यूब पर आप सर्च करोगे फाइवर में गिग जॉब सीकर्स, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को आपको देखना है, देखने के बाद आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि गिग में जो आपको चेंजेस करने हैं वो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग करने हैं। अगर कोई डाउट लगता हो तो कमेंट्स करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और साथ ही साथ अभी वीडियो एंड होने वाली है और आपको विनर बनना है इस गिव अवे का, तो आपको अब क्या करना है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो मिलता है अभी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।